के जो बौखलाहट उनके बेटे को और उनके राजनीतिक अस्तित्व को पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर के मतदाताओं ने दी है, आठों के आठों विधानसभाओं में जिस तरह से करारी हार का सामना उनको देखने पड़ा, उसके चलते हुए जो खीज है, जो खिसियाट है, जो बौखलाहट है, वो बौखलाहट उनके बयानों से दिखाई देती है, वो बौखलाहट उनके बयानों से बाहर आती है। जो है सारी एजेंसीज उनके पास में, एजेंसीज का जितना दुरुपयोग वो कर सकते थे उतना उन्होंने किया है, एजेंसीज का जितना दुरुपयोग का जो वो है किया जा सकता था वो भी उन्होंने किया है, लेकिन उसके बाद में भी उनके वकीलों को कोर्ट में खड़े होकर के ये स्वीकार करना पड़ा कि गजेंद्र सिंह का न तो किसी FIR में नाम है, न गजेंद्र सिंह का किसी चार्जशीट फाइल हुई उसमें नाम है, आपके पास में सारी एजेंसीज है। मैं तो जब आप पुलिस का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे थे तब मैंने कोर्ट में जाकर के कहा कि इस प्रोसीडिंग्स को क्वेश करना चाहिए, तब प्रोसीडिंग्स को क्वेश करने से पहले वो हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है कि आप किसी भी तरह का इसमें कोई भी कदम नहीं उठाओगे। अब ये जब हालात है, जो वह मुख्यमंत्री देश भर में जाकर के इस बात के लिए बयान देते हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग भारत सरकार कर रही है, एजेंसी के दुरुपयोग का क्लासिक एग्जाम्पल अगर कहीं है तो वो राजस्थान है। गजेंद्र सिंह पे जितने काम हो रहे हैं वो तो अलग है, वकीलों को उठा करके जेल में ठूसा है, बिना किसी अपराध के एक वकील को वो गया जो है 10 महीने तक आपने जेल में रखा, सिर्फ अपराध इतना था कि आपके किए हुए भ्रष्टाचार को उसने उजागर करके कोर्ट से ऑर्डर करा दिया था, पत्रकार ने एक टिप्पणी आपकी सरकार के खिलाफ की उसके खिलाफ आपने पॉक्सो में जो है वो मुकदमा दर्ज कराया। राजस्थान में जिस तरह से अराजकता की सरकार काम कर रही है, ये बौखलाहट और खिसियाट है, सत्ता की जलातल नीचे से खिसक रहा है और उस खिसकने के खिसियाट के कारण से वो इस तरह के दोषारोपण करके लांछन लगाने की कोशिश करते हैं। हिम्मत है तो आज चुनौती देकर के यहाँ से कहता हूँ कि वो और उनके वकील किसी भी हिंदुस्तान के मंच पर खड़े हो जाएं और वहां खड़े होकर के मेरे सामने इसके ऊपर बहस करें, उनके वकीलों को लेकर के बहस करें कि मुझे किस तरह से दोषी ठहरा रहे हैं, वरना मैं जो किरोड़ी लाल जी ने आप जो आरोप लगाए उन आरोपों को उस मंच पर खड़े होकर के सिद्ध करूंगा कि उनके और उनके बेटे ने किस तरह का भ्रष्टाचार किया। 100 रुपए के शेयर खरीद करके 40,000 रुपए में मलेशिया की कंपनी को भेज करके करोड़ों रुपए का काले धन को सफेद धन करने का काम वो करते हैं और आप जो है आरोप मुझ पर लगाते हैं। अपने गिरवान पर जाग करके देखिए, कालिक के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।